हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप बेस्ट होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। पॉलिनोमियल होता क्या है? आपने प्रीवियस क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं हम लोग क्या, व्हेन पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शॉर्ट में लिखा मैंने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट, जब कांस्टेंट कंबाइन करता है वेरिएबल्स के साथ। ओके, तो कैसे कंबाइन करेगा? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इन है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो कांस्टेंट कंबाइन करेगा वेरिएबल के साथ, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से, तो यह क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। मींस व्हेन पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिनोमियल्स। जैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंट एग्जांपल्स ले लो, जैसे 2 + x y - 7, ओके, x² + 3/2, व्हाट दीज ऑल आर? दीज ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे x² + x + x^2। ये भी क्या है हमारा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एक्स का पावर क्या है? हाफ है, 1/2 है, और आपको मालूम है कि 1/2 इंटीजर्स नहीं होता है। क्लियर? मींस ये सब जैसे 2 + x y - 7, x² + 3/2, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हैं और पॉलिनोमियल्स भी हैं। ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर क्या है? इंटीजर नहीं है। तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे क्या, कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर, ओके, इसका पावर क्या होना चाहिए? इसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं, 0, 1, 2, 3 नंबर लाइन पे ले रहे हैं, -1, -2 एंड सो ऑन, दिस बैकवर्ड एंड दिस फॉरवर्ड। आपको मालूम है कि 1 onwards ये सारे क्या है? ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। -1 backward ये सारे क्या है? निगेटिव इंटीजर्स हैं। और 0 क्या है? 0 न तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। क्या है ये? न्यूट्रल है। तो जब हम बात करेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स का, तो नॉन निगेटिव मींस कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, मींस -1 backward ये सारे नहीं रहेंगे। तो नॉन निगेटिव में 0 onwards सारा कर देते हैं। ओके, तो 0 onwards सारा लिखने का मतलब, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? होल नंबर्स भी है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम आप होल नंबर भी दे सकते हो। ओके, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या जाना, कि पावर ऑफ
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो एग्जांपल्स लिख लो आप पॉलिनोमियल्स का, जैसे आप सिंपल लिखो एक्स प्लस टू, आप लिखो वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू, इस तरह से आप लिख सकते हो बहुत सारा पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स। सिर्फ एक बात ध्यान रखेंगे कि उसका पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मीन्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पावर इंडिसेस में नहीं होना चाहिए, वो सारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हुआ क्या कि पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसका पावर? पावर ऑफ वेरिएबल्स। पावर की जब भी बात की जाएगी तो पावर का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल्स। ये नहीं कि सिर्फ अगर x प्लस टू क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका पावर टू, चाहे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, सपोज x का पावर हाफ माइनस वन, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें पावर का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल्स, ये नहीं कि पावर ऑफ होल। ये कहने की बात नहीं है, अंडरस्टूड है ऑलरेडी, पावर मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। टाइप्स कौन कौन होंगे पॉलिनोमियल्स के? फर्स्ट टाइप क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है क्या? ए एक्स प्लस बी। ओके, ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू व्हाट? आर। लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स के रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। मीन्स कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? डिग्री मीन्स पावर कितना होगा? इसका डिग्री होगा वन। याद रहे लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री वन। फॉर एग्जांपल आप लिखो एक्स प्लस थ्री, वाई माइनस फाइव, जेड प्लस सेवन, इटीसी। यह है लीनियर पॉलिनोमियल। ये जनरल फॉर्म, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे यहां देख लो, इस सब में पावर क्या है इसका? यहाँ पर पावर वन है, पावर वन है, पावर वन है। ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, पॉलिनोमियल इन वाई है, पॉलिनोमियल इन जेड है, किसी भी नोटेशन में आ सकता है पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सेम कंडीशन रिपीट होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट? आर, मीन्स रियल नंबर होना चाहिए, ए बी सी रियल नंबर। क्लियर है? क्वाड्रेटिक, इसका डिग्री कितना होगा? क्वाड्रेटिक का डिग्री होगा टू। जनरल एग्जांपल लिख लो आप, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका पावर टू है। अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यह भी क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दो ही टर्म है, दो ही टर्म है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक है। हमें सिर्फ इसका पावर देखना है कि पावर टू होना चाहिए। तो क्या आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर भी अगर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिर्फ हमें देखना है पावर टू होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जनरल जो हम फॉर्म लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म,
उसमें क्या होता है, पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जैसे यहां पर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, टू है, पावर ऑफ वेरिएबल वन है, यहां पर वेरिएबल है ही नहीं, मींस की पावर ऑफ वेरिएबल जीरो है। देखेंगे आगे हम लोग कैसे कैसे जीरो होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक मोनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है। मोनोमियल मींस एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म। इस टाइप देखते हैं टाइप थ्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके क्यूबिक, क्यूबिक का उसी तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और कंडीशन ए नॉट इक्वल टू जीरो। बार बार लिख रहा हूं मैं ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सपोज ए जीरो हो जाएगा तो यह होल टर्म जीरो, तो सिर्फ पावर टू ही बचेगा, तो यह क्यूबिक नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। उसी तरह क्वाड्रेटिक में अगर फर्स्ट टर्म ए जीरो हो जाएगा तो लीनियर बचेगा, इसलिए यह कंडीशन लिखना बार बार जरूरी है। और ए बी सी बिलोंग करेंगे किसको, रियल नंबर्स को। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो उसी तरह से, पावर थ्री होना चाहिए, चाहे हमारा टर्म एक हो, दो हो, तीन हो, उससे मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर थ्री होना चाहिए और कभी भी पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। क्लियर। फोर्थ टाइप क्या, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब, इस तरह से आप लिख सकते हो। और इसके भी आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। क्यूबिक का डिग्री कितना होगा, क्यूबिक का डिग्री थ्री होगा, बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होगा, फोर होगा। ओके नेक्स्ट फिफ्थ टाइप, आपने चार पढ़ा होगा पहले से ऑलरेडी, पांच छह भी पढ़े होंगे। फिफ्थ टाइप क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस कोई, नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट मींस कोई नंबर। जैसे हमने लिखा फाइव लिखा, थ्री बाई टू लिखा, अंडर रूट थ्री लिखा, 0.15 लिखा, ये सारे क्या है, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होगा जीरो। हाउ, देखो फाइव को आप लिख सकते हो फाइव एक्स का पावर कितना, जीरो। और एक्स का पावर जीरो आपको मालूम है कितना होता है, वन ही होता है, तो ये फाइव इंटू वन क्या रहा, फाइव ही रहा, इसलिए यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जो सिर्फ नंबर होता है कांस्टेंट होता है, जो चेंजेबल नहीं होता है, फिक्स रहता है। और इस तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, जीरो होगा। एंड सिक्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या, तो जीरो इट सेल्फ, जीरो को ही हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो इट सेल्फ। इसका डिग्री क्या होगा, देखो जीरो को आप लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स का पावर नाइन, फिर भी जीरो रहेगा। आप इसे लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स का पावर हंड्रेड, फिर भी जीरो ही रहेगा। कुछ भी लिखो सब केस में जीरो ही आएगा। इसका मतलब किसी के लिए यह फिक्स नहीं है, यह चेंज हो रहा है, इसलिए इसका डिग्री हम क्या देंगे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं है,
क्योंकि हर वैल्यू के लिए यह सही आता है। तो उन्होंने छह टाइप का पॉलिनोमियल्स देखा, कौन कौन, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, कॉन्स्टेंट एंड क्या जीरो पॉलिनोमियल। तो आप लिनियर पॉलिनोमियल के बारे में और लिनियर इक्वेशन के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हो। यहां पर हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, क्या क्वाड्रेटिक के बारे में क्या सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने शॉर्ट में लिखा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट आपको पता है, जीरोज आपको पता है, जीरोज मीन्स वह वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे। और कोएफिशिएंट्स मीन्स मल्टीप्लायर, जैसे आप लिखते हो थ्री एक्स तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, थ्री है, मतलब एक्स के साथ थ्री मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी तरह से कोएफिशिएंट्स निकालना आप प्रीवियस कई क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मेन हमारा यहां पर है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक बात आप जान लो, आप नोट भी कर लेना कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितने नंबर ऑफ क्या होगा, डिग्रीज होगा, नंबर ऑफ डिग्रीज इक्वल होगा किसके, तो नंबर ऑफ जीरोज के। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जितना डिग्री होगा, जितना पावर होगा, उतने ही उसके जीरोज होंगे। जैसे लिनियर का एक पावर है तो एक ही जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक का दो पावर है तो दो जीरोज होगा, क्यूबिक का तीन पावर है तो तीन जीरोज होगा मैक्सिमम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्यूबिक होगा तो दो ही जीरोज निकले, एक जीरोज फाइंड करने में दिक्कत हो, लेकिन जीरोज हमेशा क्या होंगे, डिग्री के इक्वल ही होंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन है हमारा जीरोज और कोएफिशिएंट्स का, बहुत ही ध्यान से देखना। तो आप जान गए कि जितने डिग्रीज होंगे उतने उसके जीरोज होंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और इसके जीरोज क्या होंगे, तो यहां पर देखो पावर क्या है, टू है, तो जब पावर टू है, बहुत ही ध्यान से देखना, तो इसके दो ही जीरोज होंगे, और इसके जीरोज को हम डिनोट करेंगे किससे, अल्फा और बीटा, ग्रीक लेटर्स है, जैसे रोमन लेटर्स है ए बी सी डी से जेड तक, उसी तरह से अल्फा बीटा गामा, इस तरह से आप ग्रीक लेटर्स में पढ़ते हो। तो दो पावर और दो ही जीरोज होंगे इसके। और आपको यह भी पता है कि जब जीरोज दिया होगा तो हम कैसे पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, सिंपल एग्जांपल देख लो आप यहां पर, जैसे आप देखो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ओके, मैं लिख रहा हूं एक एग्जांपल लिनियर के लिए, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू आएगा, मींस कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने के लिए हमने इक्वल दिया है, ये लिनियर इक्वेशन हो गया एक्चुअली, तो इसका जीरोज कितना आया, एक जीरोज आया क्योंकि एक पावर था, और क्या आया, माइनस टू आया, मीन्स कि इस पॉलिनोमियल में एक्स प्लस टू में एक्स के जगह पर अगर आप माइनस टू डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। देख लो माइनस टू प्लस टू क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो जब जीरोज दिया हो तो हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, निगेटिव वाले को पॉजिटिव में डालेंगे और पॉजिटिव वाले को निगेटिव में डालेंगे।
देखो जब एक्स का वैल्यू माइनस टू है तो यही ना पॉलिनोमियल बन रहा है, मींस इससे क्लियर है कि एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा वन, तो अगर जीरो दिया हो तो ये क्या बन जाएगा पॉलिनोमियल बन जाएगा, और पॉलिनोमियल दिया हो तो हम जीरो निकाल सकते हैं। ओके अब समझ गए आप, यहां पे आ जाओ। तो जनरल फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये होगा, और इसके पावर टू है इसलिए इसके जीरो क्या होंगे टू होंगे, अल्फा और बीटा मान लिया, तो इससे हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनेगा एक्स माइनस अल्फा इनटू क्या बनेगा एक्स माइनस बीटा। तो आपने देखा कि जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पॉलिनोमियल हमने बनाया जब अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो हमने बनाया एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या एक्स माइनस बीटा। देखो इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, क्योंकि दो जीरो लेकर हम बना रहे हैं और यह ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, दोनों लगभग सेम चीज है, तो ये वाला फॉर्म इसके क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। और आपको मालूम है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा इक्वल आएगा और क्या आएगा एक कांस्टेंट आएगा। ओके अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स से एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स से अल्फा में करोगे माइनस अल्फा एक्स, बीटा से एक्स में करेंगे माइनस बीटा एक्स, और अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस क्या अल्फा बीटा ब्रेसिस क्लोज। क्लियर, आगे देखो इसको लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स के इनटू क्या, इन दोनों में देखो अल्फा एक्स बीटा एक्स, एक्स दोनों में कॉमन है एक्स कॉमन ले लेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे आएगा यह अल्फा प्लस बीटा, और एक्स को कॉमन ले लिया प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, अब आप इस कांस्टेंट से क्या करोगे सारे में मल्टीप्लाई, ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब देखो कंपेयर करने पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाले के इक्वल, एक्स वाला टर्म एक्स वाले के इक्वल, और लास्ट में क्या है कांस्टेंट टर्म किसके कांस्टेंट के इक्वल। क्लियर, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने पर क्या आएगा हमारे पास, आएगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए का वैल्यू क्या आया के आया। ठीक है जी, आगे बढ़ो, बी एक्स इक्वल्स एक्स वाले के टर्म के इक्वल माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ए का वैल्यू हमने के फाइंड कर चुका है, या कहो कि के का वैल्यू ये फाइंड कर चुका है, एक्स और एक्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, जब एक्स दोनों कैंसिल हो गया और के जगह पर क्या डालेंगे
ए डालेंगे तो बी इक्वल क्या आएगा, माइनस ए ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा। और देखो ए को इधर ले आओ तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ए माइनस के साथ इधर आएगा तो यह आएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या था हमारा, जीरो था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो था। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, जीरोज का सम, मींस की सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या रहा है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या, यहां देखो बी क्या है, एक्स का कोफिशियंट है बी, और ए दिया रहा है तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस इनटू क्या, कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई ए, मींस की कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस सम ऑफ जीरोज जो आएगा वो आएगा माइनस इनटू कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह तो फर्स्ट दोनों को तो हमने कंपेयर कर दिया फर्स्ट दोनों से, सिमिलरली थर्ड वाले टर्म को थर्ड से आप कंपेयर करो तो ये आएगा C इक्वल्स क्या, K अल्फा बीटा, C इक्वल्स K अल्फा बीटा, और K का वैल्यू हमें पता कर लिया है A, मींस C इक्वल टू A अल्फा बीटा, देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल्स कितना, C बाई A। ओके, अल्फा इंटू बीटा कितना आया, सी बाई ए। सी क्या है हमारा, सी कॉन्स्टेंट टर्म है और ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो दो चीज हम लोगों ने सीखा, एक क्या, एक सीखा कि सम ऑफ जीरोज मींस कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, इसको लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस इंटू माइनस बी बाई ए, मींस माइनस इंटू क्या, कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी, यही रिलेशन होगा हमारा कि सम ऑफ जीरो माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, ये आएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, बाई क्या, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये सम ऑफ जीरोज, यही है क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हम दो चीज सीखते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और उस रिलेशनशिप का यूज कैसे करें। तो जाहिर सी बात है कि यह रिलेशनशिप था क्या, तो जीरोज और कोफिशियंट के बीच का, तो जीरोज और कोफिशियंट के बीच का रिलेशनशिप है, तो उस पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो पहली बात की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस, छोटा एग्जांपल लो खुद से आप, टू एक्स प्लस वन, स्ट्रेट हमको मालूम है कि यह क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा। तो ये इसको पहले, इसका पहले आपको जीरोज फाइंड करना है, तो इसको पहले आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जीरोज निकालो, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। एक्स कॉमन लो तो एक्स प्लस वन, फिर वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन, आया हमारे पास x प्लस वन
और x प्लस वन। नेक्स्ट लिखेंगे जीरोज आर, जीरोज क्या होंगे तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स का वैल्यू क्या माइनस वन, और इसमें भी आएगा x का वैल्यू कितना माइनस वन, दोनों आया माइनस वन क्योंकि यह x प्लस वन का होल स्क्वायर था। दो जीरोज हमारे पास आए माइनस वन एंड माइनस वन। मैंने शुरू में बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जब इसके डिग्री टू है तो इसके दो जीरोज भी आए, देखो आया। अब क्वेश्चन रहेगा आपको बोर्ड में, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, हर साल आता है कि इसके जीरोज फाइंड करो और जीरोज फाइंड कर जीरोज और कोफिशियंट के बीच का रिलेशन फाइंड करो, रिलेशन को शो करो। तो रिलेशन शो करना है, हमारे पास दो रिलेशन है क्या, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो देखो आगे लिखेंगे क्या सम ऑफ जीरोज, कितना सम ऑफ जीरोज मींस माइनस वन प्लस माइनस वन क्या होगा माइनस टू होगा। सम ऑफ जीरोज आपने क्या पढ़ा है, सम ऑफ जीरोज आपने पढ़ा है माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स अब बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस टू बाई वन, मीन्स क्लियर है कि माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक्स का कोफिशियंट टू है और उसके पहले निगेटिव साइन आ रहा है ना, तो यह वेरीफाई हो गया मीन्स माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट किसमें आएगा निगेटिव में आएगा। आगे पता करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट कितना माइनस वन इंटू माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा वन आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या सीखा था आपने, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म वन है और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, तो वन को आप वन अपॉन वन लिख सकते हैं और इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, पहले हम क्या करेंगे जीरोज फाइंड करेंगे और जीरोज फाइंड करने के बाद उसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और सम और प्रोडक्ट जब भी आएगा ऐसा ही आएगा। क्लियर, होप करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।